तो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है और फिर से एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध हुए हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, आपके कौन सा बिजनेस आइडियाज आपको आपके पास मैं फिर से लेके आया हूँ। चैनल में भी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उसको बेल आइकन ऑल कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है तो हमारे वीडियो का आपके पास आ जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए जो है तरह तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आज फिर से जो है तो एक जबरदस्त वीडियोस लेके आया हूँ जो कि गांव में या सिटी में दोनों जगह चलने वाला है। तो आपको इसको पूरा देखना है लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से बिजनेस जो है तो हमें करना है और जो है तो कौन सा बिजनेस ये है। दोस्तों, जैसे आप गाँव में रहते हैं, गाँव में आप सोच रहे हैं कि कोई सा छोटा मोटा या बिजनेस स्टार्ट करके हम जो है तो रोज घर पे रह के तो अर्न कर सकते हैं, तो आज की जो वीडियो वीडियो है बिल्कुल सही है। आप जो है तो वीडियो में पहुंच गए हैं, तो इसको पूरा आप वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा किस तरह से हमें काम करना है दोस्तों, और कौन सा ये बिजनेस है। देखिए, हमारी वीडियो का मेन जो मकसद होता है आपको मोटिवेट करना, आप तक जानकारी पहुँचाना। तो आप इस जानकारी का जो है तो आप अपने जो है तो माध्यम से बिजनेस स्टार्ट करिए, ये तो मैं आपको मोटिवेट किया जाता है वीडियो के माध्यम से। हमारा वीडियो का कोई मकसद ये नहीं कि आपके जो है तो उसमें जो है तो बिजनेस में लॉस हो कि कोई हमारी वीडियो से हानि आपको पहुंचे। तो आप अपने लगन और मतलब हृदय से ये बिजनेस स्टार्ट करिए ताकि आपको नुकसान का सामना करना ना पड़े दोस्तों। और हमारा इंस्टाग्राम जो है तो आईडी है, उसमें आप हमें डीएम कर सकते हैं, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें जाके आप हमें जरूर डीएम करिए दोस्तों। तो मैं फिर से एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ उपलब्ध हुआ हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा ये कि ये मिलेगा कहाँ से और आपको किस तरह से काम इसमें करना है दोस्तों। जो मैं आज बिजनेस आपको बताऊंगा तो वो आप घर पे रह के आसानी से पैसा का अर्न कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी मशीन लगा के आप जो है तो आसानी से रोज का जो है तो 1000 से 2000 आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपको प्लास्टिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा नया सेकेंड चैनल है, जिसका जैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप उसमें से जो है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं प्लास्टिक की सारी जो है तो वीडियोस डालता रहता हूँ, और जो है तो सब्सक्राइब करके उसमें अच्छे अच्छे वीडियो में डालता रहता हूँ, तो आप देखिए और उसमें भी हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, जो है तो उसको शेयर भी कीजिए दोस्तों। दोस्तों, आज फिर से एक जो है न्यू बिजनेस आइडिया के साथ उपलब्ध हुआ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा बिजनेस किस प्रकार करना है। जैसे कि समझ लीजिए आज का जो बिजनेस आइडिया है वो कप पैकिंग का है। आप समझ लीजिए कि अचार अचार हो गया। एक तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मशीन पहले तो आप एक ध्यान मतलब इस मशीन को देखिए किस प्रकार से ये मशीन है, कितने की आएगी, मैं आपको उस वीडियो के माध्यम सब बताऊँ, कहाँ से मिलेगी सब बता दूंगा। ये मशीन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मशीन है पैकिंग की। कोई भी अगर आप मटेरियल को पैक करना चाहते हैं तो इस मशीन को आप मंगा के आसानी से जो है तो पैक कर सकते हैं, और तरह तरह के प्रोडक्ट्स इसमें पैक करके आप आसानी से जो है तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मतलब इसमें ज़्यादा लागत लगने वाली है। और कहाँ से मिलेगी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको आप कहाँ से जो है तो मंगा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है तो छोटे छोटे जो है तो डिब्बे को जो है तो पैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये मशीन ला लेना है, और लाने के बाद जिसमें जो है तो समझ लीजिए अपना खुद का प्रोडक्ट बना लेना है। ये अगर आप गांव से हैं तो आपको छोटे छोटे डिब्बे में अचार जो है तो पैक कर लेना है। इसके बाद ये पैकिंग जो है तो ये मशीन से इसको ऊपर से इसको लगा के पेपर पैक कर देना है ताकि इसके अंदर हवा ना जाए तो वो चीज़ खराब ना हो। कोई भी वस्तु अगर आपको पैक करना है, समझ लीजिए कि अगर आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जूस भी पैक करना है तो इसमें आप पैक कर लीजिए। ठंड मतलब कोई भी वस्तु अगर आपको पैक करना है, जैसे गिलास हो गया, कप हो गया, डिब्बे हो गए, तो ये पैकिंग मशीन आपको जो है तो बहुत काम आने वाली है दोस्तों। छोटी सी जगह पे आप रख के जो है तो इसको जो है तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। आपको छोटे छोटे जो है तो अचार के जो है तो पैकेट और डिब्बे जो है तो बना लेने हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा सिटी से भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अचार ही पैक कर सकते हैं, इसमें तरह तरह के प्रोडक्ट आप पैक करके मार्केट में
सेल कर सकते हैं। इसमें जैसे कि कोई भी आपको चीज़ पैक करना, जैसे कि मान लीजिए आपको जीरा ही पैक करना, आप मार्केट से ज़्यादा जीरा लेके आ गए हैं, 2-3 केजी लेके आए, और इसमें जो है तो थोड़ा थोड़ा आपको जीरा पैक करके आपका खुद का जो है लेबल लगा के आप इसको सेल कर सकते हो। कोई भी जैसे कि समझ लीजिए टॉफ़ी हो गई, टॉफ़ी आप मार्केट से जो है तो पैकेट में ला के आप डिब्बे में पैक करके और इसको जो है तो मार्केट में अच्छा खासा सेल करके पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं स्क्रीन पे आपको फिर से इस मशीन को दिखा देता हूँ, और ये मिलेगी कहाँ से मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। देखिए ये मशीन, तो जैसे कि आप ये मशीन देख पा रहे हैं, ये मशीन आपको मिलेगी कहाँ से मैं आपको बताऊंगा। और जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर इसमें से पैक करके आपको मार्केट में सेल कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे पैकेट बना लिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, या फिर जो है तो 500 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम, मतलब ऐसे छोटे छोटे डिब्बे आप बना लिए और उसको जो है तो आप इस मशीन के माध्यम से पैकिंग जो है तो पैक कर देंगे, ताकि उसके अंदर जो है तो हवा ना जाए और वो प्रोडक्ट जो आप उसमें बनाए हुए हैं तो वो आपका ख़राब ना हो। तरह तरह की चीज़ों को आप इसमें पैक कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए होलसेल से आप कोई भी चीज़ ला के और उसको जो है तो अपने जो है तो घर पे उस रख के और उसमें जो है तो ये पैकिंग जो है तो अलग से आप पैकिंग करके मार्केट में इस मशीन के माध्यम से आप बेच सकते हैं। आप समझ लीजिए आप 15 केजी का जो है तो कोई भी वस्तु लाते हैं, 15 केजी या 10 केजी का समझ लीजिए, 4 ही 10 केजी का डिब्बे लेके आ गए, अब उसको क्या करना है आपको, उससे आपको छोटे छोटे डिब्बे बना के जो है तो आप अपना खुद का वो प्रोडक्ट बना के और मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। ये मशीन मिलेगी कहाँ से दोस्तों, ये मशीन अवेलेबल है जैसे कि समझ लीजिए कि इंडिया मार्ट में आपको मिल जाएगी ये मशीन, इसके बाद आपको अमेजोन में भी मिल जाएगी, और अगर आपको मार्केट से आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ भी अवेलेबल है ये मशीन मिल जाएगी। छोटे छोटे जो है तो ये प्रोडक्ट को ये आसानी से उसमें पैक करके जो है तो आप पैसा इसमें से अर्न कर सकते हैं इस मशीन में। और इस सिंगल फेस में चलने वाली है दोस्तों, इसमें लाइट बिल भी ज़्यादा नहीं, इसमें एक रोल आएगा जो कि रोल आएगा रोल, और ये मशीन आपको खाली सिंगल फेस की आएगी, वो लगा के आपको तरह तरह के प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट में आप सेल कर देंगे। अब जैसे कि समझ लीजिए आपके पास जो है तो छोटे छोटे जो है तो प्लास्टिक के गिलास हो गए, अब गिलास में आप जो है तो उसमें कोई भी वस्तु, जैसे भी आप समझ लीजिए कि आपको उसमें जो है तो दही पैक करना है, दही पैक करना है तो दही पहले आप भर लेंगे, इसके बाद गिलास को उसके अंदर जो है तो रख देंगे और इसके मशीन चालू करेंगे तो वहाँ पर आपका जो है तो गिलास के ऊपर ले इसका वो जो है पेपर लग जाएगा, जब वो लग जाएगा तो उसके अंदर हवा नहीं जाएगी तो वो ख़राब नहीं होगी। तो ये जो मशीन आपको मैं बताया हूँ, ये मशीन जो है तो पैकिंग जो है पैकिंग मशीन है, इसमें से आप जो है तो आसानी से जो है तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को पैक करके जो है तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा आपको मैं बता दूँ समझ लीजिए कि इसमें अगर आप समझ लीजिए आपको खुद का प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए आप जूस बना रहे हैं, या फिर समझ लीजिए आम का जूस हो गया, या फिर जो है तो गन्ने का जूस हो गया, जूस जैसे बनाई आप उसको जूस को भी इसमें से पैक करके और इसको आप रोज कर बेच सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बिजनेस आइडिया बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत तेज़ी से चलने वाला है, आप इसमें से कोई भी वस्तु बना के पैक करके आप आसानी से इसको अपने मार्केट में इसको आप सेल कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, और इसमें कुछ आपको लगने वाला भी नहीं है और कोई वर्कर इसमें लगने वाले नहीं, आप खुद ये प्रोडक्ट ये जो है तो चालू करके आसानी से इसमें पैसा कमा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको ये मशीन दिखा देता हूं दोस्तों, तो एक बार मैं आपको फिर से ये मशीन दिखा दिया हूँ, ये मशीन आप अमेजोन और उससे जो है फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, और साथ ही साथ जो है तो इंडिया मार्ट से मंगा सकते हैं, और अंततः आप मार्केट से भी ये मशीन जो है तो मंगा के और ये बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।